What is OpenX? Could you enlighten us more about? Absolutely, wonderful. So if you are traveling in the highway, Taj Expressway, आपने बोला दिल्ली से आगरा तक हमें ट्रेवल करना है और हमने ताज एक्सप्रेसवे चूज कर लिया क्योंकि वो फास्ट है, बड़ा है. एनीबडी एंड एवरीबडी कैन यूज दैट एक्सप्रेसवे प्रोवाइडेड इट पेस टॉल. देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन, ओपन है. सिमिलरली यू इमेजिन द वायर्स एज हाईवेज, एनीबडी एंड एवरीबडी कैन यूज दोज वायर्स टू ट्रांसपोर्ट इलेक्ट्रॉन्स. सो इलेक्ट्रॉन्स इज लाइक योर कार एंड वायर्स आर लाइक हाईवे, नेशनल हाईवे. सो जिस तरह से आप अपनी कार किसी भी नेशनल हाईवे में दौड़ा सकते हैं प्रोवाइडेड यू पे टॉल, सिमिलरली आप अपने इलेक्ट्रॉन्स, किसी भी वायर्स, पूरे इंडिया की वायर्स को यूज करके अपने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं फ्रॉम वन पॉइंट टू सेकेंड पॉइंट प्रोवाइडेड यू पे टॉल. उस टॉल को जो हम बोलते हैं ट्रांसमिशन चार्जेस बोलते हैं. ट्रांसमिशन चार्जेस में भी हम दो वर्ड यूज करते हैं. अगर ट्रांसमिशन लाइन है देन वी यूज ट्रांसमिशन चार्जेस. इफ इट इज अ डिस्ट्रीब्यूशन लाइन देन वी यूज व्हीलिंग चार्जेस. दे आर यूज इंटरचेंजेबली बट फॉर अंडरस्टैंडिंग आई यूज व्हीलिंग चार्जेस. व्हेनेवर वी यूज टॉल वी पे अ टॉल फॉर ट्रांसपोर्टिंग आवर इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अ डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंसिस नेटवर्क सो वी पे व्हीलिंग चार्जेस. व्हेरेवर वी ट्रांसपोर्ट आवर इलेक्ट्रॉन्स यूजिंग अ ट्रांसमिशन लाइन देन वी पे ट्रांसमिशन चार्जेस. ओपन एक्सेस को समझने के लिए उल्टा कर लेते हैं. लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्लोज्ड एक्सेस. क्लोज्ड एक्सेस का मतलब क्या होता है कि भाई लेट अस अज्यूम विमल जी एंड आई हैव एयरटेल मोबाइल फोन एंड नम्रता एंड अभिषेक जी दे हैव अ वोडाफोन. क्लोज्ड एक्सेस का मतलब ये है ओनली नम्रता एंड अभिषेक जी कैन speak to each other. They will not be able to speak to me or Vimal ji because हमारा network अलग है. Similarly, Vimal ji और मैं, we cannot speak to Abhishek ji और Namrata ji because उनके पास Vodafone का, हमारे पास Airtel का, तो हम आपस में ही बात कर सकते. और यही सिचुएशन टेलीकॉम में पहले थी. इफ यू रिमेम्बर 1998 में 97 में अगर आपके पास तीन नेटवर्क में बात करें तो आपको तीन मोबाइल फोन रखने पड़ेंगे तीन अलग अलग सिम से. दिस इज अ एग्जांपल ऑफ क्लोज्ड एक्सेस. और क्लोज्ड एक्सेस बहुत ही इनएफिशिएंट होता है कि आपको तीन मोबाइल हैंडसेट और तीन सिम में इन्वेस्ट करना पड़ा. इट विल बी कॉस्टली फॉर यू. देयर विल बी नो इकोनॉमीज ऑफ स्केल. इट विल नॉट बी गुड फॉर द नेशन. इट विल नॉट बी गुड फॉर एनीबडी. उसके लिए सॉल्यूशन निकाला गया ओपन एक्सेस व्हिच इज कॉल्ड टेलीकॉम इंटरचेंज बोलते हैं उसमें. अब आपके पास जैसे ही टेलीकॉम इंटरचेंज अलाउ हो गया, नाउ यू कैन हैव मोबाइल फोन ऑफ एनी नेटवर्क. यू कैन स्पीक टू एवरीवन, वेदर यू हैव एयरटेल, वेदर यू हैव एमटीएनएल, वेदर यू हैव जियो. आई कैन स्पीक टू एनीवन फ्रॉम माय एयरटेल मोबाइल फोन बिकॉज देयर इज अ इंटरकनेक्शन. उस इंटरकनेक्शन के लिए बहुत छोटा सा इंटरकनेक्शन चार्ज भी लगता है. वो हमें पता भी नहीं चलता है क्या इंटरकनेक्शन चार्ज. सिमिलरली अब आपको इलेक्ट्रॉन्स कहीं भी ट्रांसफर करने हैं, किसी की भी ट्रांसमिशन लाइन है, आप उन इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर कर सकते हैं. आपको क्या ट्रांसमिशन चार्जेस पे करने पड़ेंगे. एंड दिस कॉन्सेप्ट और दिस स्कीम या दिस फ्रेमवर्क इज कॉल्ड ओपन एक्सेस. ओपन एक्सेस का मतलब तीन चार चीजें करती है. नंबर वन, ये डिक्लेयर कर दिया कि ऑल ट्रांसमिशन लाइन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस आर शेयर्ड असेट. चाहे वो प्राइवेट एंटिटी बनाए, पब्लिक सेक्टर एंटिटी बनाए या गवर्नमेंट बनाए, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट ऑल डिस्कॉम्स, all transmission lines, even if it is a private investment, it is a shared asset. Number one, अब shared asset हो गया तो आपको right मिल गया वहां पे उस road पे travel करने का. जैसे roads shared asset है वैसे ही transmission lines are also shared asset. लेकिन जिसकी भी ownership है आप उसको toll, wheeling charges या फिर transmission charges pay करेंगे. This is the concept of open access. When Electricity Act was being made, it was decided to create two markets in India. One market will be retail electricity market. And second will be wholesale electricity market. Question ये आएगा कि सर what is the difference between retail and wholesale electricity market? Difference जो electricity act में लिखा है वो है 1 megawatt. If you are dealing with 1 megawatt plus, then you are working in wholesale electricity market. If you are dealing in 1 megawatt less, then you are working in retail electricity market. इसको imagine करने का एक और रास्ता है. When you are talking of transmission networks, they are more on the side of wholesale electricity markets. So, जो electricity trader है या transmission networks है वो wholesale electricity market की बात करते हैं. जब आप retail electricity की market की बात कर सकते हो तो then you come to distribution network. So, distribution network and supply licenses, they work in retail electricity market. छोटा छोटा इलेक्ट्रिसिटी के किसी को रिक्वायरमेंट है एंड दे सप्लाई दैट इलेक्ट्रिसिटी. 2003 में व्हेन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट वाज मेड, होलसेल इलेक्ट्रिसिटी मार्केट में ओपन एक्सेस वाज मेड कंपलसरी. सो ओपन एक्सेस इन ट्रांसमिशन
was made compulsory from 2003 onwards. Retail electricity market में empowerment दी दिया गया था. So state electricity regulatory commissions were empowered and the powers were delegated to state electricity regulatory commission. कि धीरे धीरे in during the course of the years they will introduce open access in retail electricity market, which has been slow act. Whenever you see net metering, gross metering. एक और तीसरी चीज भी आ गई. इफ यू डोंट नो प्लीज कमेंट ऑन द चैट बॉक्स कि नेट मीटरिंग और ग्रॉस मीटरिंग के अलावा तीसरी चीज क्या आ गई है. आप जब इसकी बात करते हैं, दिस इज अ एग्जांपल ऑफ रिटेल ओपन एक्सेस एंड इट इज अ रिटेल ओपन एक्सेस इज लाइक लास्ट माइल फैसिलिटी. एक एक्सपेरिमेंट करा गया विच इज कॉल्ड पीयर टू पीयर ट्रेडिंग. सो फॉर एग्जाम्पल यू मी एंड माई सिस्टर बोथ लिव इन दिल्ली. लेट अस अस्यूम माई सिस्टर लिव्स इन चाणक्यपुरी, आई लिव इन साउथ दिल्ली. देयर इज अ डिफरेंस. आई हैव अ सोलर पैनल इन माई हाउस एंड आई एम ट्रैवलिंग टू यू नो फॉरेन डेस्टिनेशन फॉर वन मंथ. अब वो सोलर पैनल्स की जो बिजली है वो मैं यूज नहीं कर पाऊंगा, घर भी हो सकता है क्लोज रहे. जो एक्सेस इलेक्ट्रिसिटी, कैन आई सेल और सेंड माई एक्सेस, शेयर माई एक्सेस इलेक्ट्रिसिटी विद माई सिस्टर लिविंग इन अ डिफरेंट कॉलोनी. इसके लिए एक नया इनोवेटिव रास्ता निकाला गया एंड दैट रास्ता इज कॉल्ड ब्लॉक चेन प्लेटफॉर्म. सो ब्लॉक चेन प्लेटफॉर्म विल अलाउ पीयर टू पीयर ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. इफ यू वॉन्ट टू गिफ्ट योर इलेक्ट्रिसिटी फ्री टू समबडी और मे बी यू वॉन्ट टू सेल योर इलेक्ट्रिसिटी, योर फ्रेंड इज देयर एंड यू कैन सेल हिम चीप पावर फॉर सर्टेन ड्यूरेशन. एक्सपेरिमेंट दो जगह पे हुए. वन एक्सपेरिमेंट पायलट प्रोजेक्ट वॉज इन UPPCL, मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड में एक पायलट प्रोजेक्ट हुआ. सेकेंड पायलट प्रोजेक्ट हुआ टाटा पावर बैंक. दिस काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म, दिस काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंट्स आर हैपनिंग इन इंडिया फॉर रिटेल ओपन एक्सेस. सो टू सम इट अप, ओपन एक्सेस फ्रेमवर्क कैन बी डिवाइडेड इनटू टू मार्केट्स. वन इज होलसेल इलेक्ट्रिसिटी ओपन एक्सेस, सेकेंड इज रिटेल इलेक्ट्रिसिटी ओपन एक्सेस. होलसेल इलेक्ट्रिसिटी ओपन एक्सेस इज मोर कनेक्टेड विद ट्रांसमिशन साइड. Retail electricity is more connected to distribution and supply side. Wholesale electricity market में open access 2003 से compulsory open access आ गया है. Retail open access in a phased manner will be brought in by state electricity regulatory commission and it is work in progress.